ओम नमः शिवाय। शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष रविवार एकादशी तिथि सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो रही है, तत्पश्चात द्वादशी तिथि चलती रहेगी। चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, तेजस्वी, बोलने में चतुर और शत्रुओं पर विजय पाने वाले होते हैं। ये ईमानदार, स्पष्टवादी और सादगी पसंद होते हैं। उन्मुक्त विचारधारा वाले, उच्च महत्वाकांक्षी, उत्साही, न्यायप्रिय, नेतृत्व करने में सफल और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा मंगल और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा पूरे दिन रात्रि 10:33 तक तुला राशि में चलते रहेंगे, तत्पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि चंद्रमा की नीच राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में उत्साह बना रहेगा और आर्थिक योजनाएं फलीभूत होंगी। साझेदारी में लाभ संभव है, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, मगर शाम के बाद का समय चंद्रमा के वृश्चिक राशि में जाने से पारिवारिक सुख शांति में कमी महसूस होगी और माँ के स्वास्थ्य की चिंता लगी रहेगी। मानसिक संवेदनशीलता बनी रहेगी और बातों के बुरा मानने की प्रवृत्ति पैदा होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा, छोटी यात्राओं का योग बनता है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। गुरु का वक्री होकर चंद्रमा के साथ छठ में बैठना और मंगल व केतु की युति का नवें भाव में होना सावधानी की ओर संकेत देता है। हालांकि नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है, शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, हर काम मन मुताबिक पूरा होगा। आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा, मगर पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव संभावित है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए शाम का समय अनुकूल है। मिथुन राशि के जातकों के व्यावसायिक उत्थान और नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। साझेदारी के काम आज के लिए लाभदायक रहेंगे, अधूरे काम पूरे होंगे। सरकारी कामकाज में सक्रिय भागीदारी लाभदायक रहेगी, आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी, मगर शाम के बाद अचानक किसी काम में बाधा संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें, मन थोड़ा अशांत रह सकता है। खाने पीने में सावधानी बरतें, स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ संभावित हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, उत्साह, कार्य ऊर्जा मन मुताबिक बनी रहेगी और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मगर चंद्रमा के वृश्चिक राशि में जाने और बृहस्पति के राहु के नक्षत्र में होने से मानसिक चिंता और मन में नकारात्मक विचारों का उठना संभावित है, उत्साह में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। हालांकि शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, न्यायालय या संबंधित कामों में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। सिंह राशि के जातकों का ऊर्जा स्तर और दृढ़ विश्वास बना रहेगा, मगर मन में शंकालु प्रवृत्ति जन्म लेगी और नकारात्मक विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि व्यावसायिक योजनाओं में स्थिरता आएगी और विकास होगा, गुरु की प्रेरणा और सूर्य का सहयोग लाभदायक सिद्ध होगा। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा, मगर पारिवारिक तनाव की स्थिति संभावित है। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है, अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है और अपने स्वास्थ्य पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला होगा, बुधादित्य योग के दशम भाव में बनने से ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास रचनात्मक कार्यों में खर्च होंगे और सफलता मिलेगी। नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है, साझेदारी के कामों में भी लाभ संभव है, मगर संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है, अच्छे कामों में निवेश का योग बना हुआ है, मगर माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता संभावित है। फिटनेस के लिए अपनी दिनचर्या में योगा व व्यायाम को शामिल करें, अच्छा महसूस करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष होगा, गुरु चंद्रमा की युति आपकी राशि पर ही बनी हुई है, जिसका मिला जुला फल प्रयासों को बढ़ाने वाला, मानसिक संतुष्टि और आत्मविश्वास की वृद्धि करने वाला होगा। कार्य योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी होंगी, कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी और निजी निवेश का योग बना हुआ है।
आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर शाम के बाद का समय मानसिक दुश्चिंताओं को बढ़ाने वाला हो सकता है। योजनाओं में वाद विवाद से बचें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। संतान संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी समारोह में सम्मानित किए जाएंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सोच और कार्यशैली में बार बार परिवर्तन संभावित है, मगर सकारात्मक ऊर्जा और काम करने की क्षमता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा और साझेदारी लाभदायक रहेगी। संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है, रचनात्मक पहलू सक्रिय रहेगा, मगर धैर्य और संयम रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है, कुछ कामों की रुकावट हो सकती है, मगर अधिकतर प्रयास सार्थक होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में लाभ मिलेगा। आपके मेहनत के अनुरूप योजनाओं का विस्तार संभावित है। आवश्यक संसाधनों में खर्च की स्थिति बनी रहेगी और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। साझेदारी के काम के लिए लाभदायक रहेंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत का लाभ मिलेगा व शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आपकी कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। अतिरिक्त कार्यभार महसूस करेंगे। विभागीय मामलों में सावधानी अपेक्षित है। बुध का छठवें होना, विभागीय गड़बड़ी, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव, कार्यों में रुकावट और आर्थिक संकट का संकेत देता है, मगर साझेदारी लाभदायक रहेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी। कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र की सक्रियता बनी रहेगी और व्यावसायिक उतार चढ़ाव संभावित है, मगर लाभदायक प्रस्ताव सामने आएंगे और आपके बुद्धि कौशल से बिगड़ते हुए काम भी बनते जाएंगे। किसी महिला के सहयोग से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। प्रतियोगी भावना विकसित होगी। शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है और विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। मीन राशि के जातकों के सक्रियता और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अपने ही कामों पर संदेह की स्थिति संभावित है। चंद्रमा के नीच राशि में होने से कार्य क्षेत्र की निरंतरता प्रभावित हो सकती है। कोई आरोप लग सकता है और साजिश के शिकार हो सकते हैं। सावधानी बनाए रखें। अति संवेदनशीलता निर्णय लेने के लिए उचित नहीं होगी। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना होगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।